इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में जर्जर मकानों पर कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को छोटा सराफा में एक विवादित मकान की गैलरी तोड़ी गई। इंदौर नगर निगम के भवन अधिकारी ने बताया कि मॉनसून के पूर्व निगम की कार्यवाही जर्जर मकानों पर लगातार जारी है। इसी क्रम में छोटा सराफा में एक मकान जर्जर स्थिति में है, जिसकी गैलरी को आज ध्वस्त किया गया है। निगम अधिकारी ने बताया कि मकान मालिक और किराएदार के विवाद के चलते पूरे मकान को अभी ध्वस्त नहीं किया गया है, लिहाजा जल्द ही प्रशासनिक आदेशों के बाद इस पर अगली कार्यवाही होगी। छोटा सराफा मकान नंबर 3 राजन सोनी का है, 87 वर्ष पुराना। उसमें जो सामने की गैलरी का अति खतरनाक भाग उसको हटाया जा रहा है, कुछ पीछे का भाग है जो अति खतरनाक भाग उसको गिराया जा रहा है। नीचे का ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है, वो ठीक स्थिति में। ऊपर भी पूरा खतरनाक ही हो रहा है, कभी एक बारिश में पूरा भरा है। जो अति खतरनाक भाग है उसको गिराया जा रहा है। उसमें एक किराएदार का दुकान का भी विवाद चल रहा है, वो रिक्त होने के बाद बाकी का हिस्सा हटाएंगे।